सलमान खान इस वक्त अपनी फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ट्रेलर रिलीज की डेट भी सामने आ गई है। साथ ही क्या आपको मालूम है कि स्वदेश फेम गायत्री जोशी कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई, या फिर क्या आपको पता है कि वैक्सीन वॉर की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और साथ ही फुकरे 3 कहां पहुंच पाई है। अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें कुछ इस प्रकार है। स्वदेश एक्ट्रेस गायत्री जोशी हुई कार एक्सीडेंट का शिकार। शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में नजर आई एक्ट्रेस गायत्री जोशी कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई हैं। हादसे के दौरान एक्ट्रेस के साथ उनके पति विकास ओबेरॉय भी थे। सड़क पर जाते वक्त एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर हो गई है, इनमें गायत्री और विकास की कार भी शामिल थी। स्वदेश फेम गायत्री जोशी अपने पति विकास ओबेरॉय के साथ इटली में है, जहां वो एक कार दुर्घटना का शिकार हुई। इस हादसे में गायत्री और उनके पति तो ठीक हैं, लेकिन एक स्विस दंपत्ति की मौत हो गई है जो दूसरी कार में सवार थे। टाइगर 3 के ट्रेलर रिलीज डेट का हुआ ऐलान। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। फैंस इस फिल्म की तीसरी किश्त के इंतजार में हैं। मूवी में एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इस बीच मेकर्स ने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बनाए रखने के लिए टाइगर 3 के ट्रेलर डेट की घोषणा कर दी है। बता दें कि टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। औंधे मुंह गिरी विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर की हालत नाजुक है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने पर आधारित इस फिल्म के लिए पहले दिन से बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल्स सुपर डुपर हिट रही थी, हम सब जानते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाट कमाई की थी। उनके दूसरे प्रोजेक्ट द वैक्सीन वॉर से भी ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन फिल्म औंधे मुंह गिर गई है। फिल्म की अब तक की कुल कमाई सिर्फ 7.80 करोड़ है। धड़ल्ले से कमाई कर रही है फुकरे 3। मल्टी स्टार फुकरे 3 अपना जादू चलाने में कामयाब साबित हो रही है। फिल्म को रिलीज हुए भी चंद दिन हुए हैं, फिर भी कमाई 50 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि मुकाबले में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर जवान बैठी हुई है। भोली पंजाबन, चूचा और साथ ही पंडित जी जैसे दिलचस्प किरदार फुकरे फ्रेंचाइजी की जान है। फिल्म के पहले पार्ट को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, अब फुकरे 3 को भी वैसा ही प्यार और रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक 59.92 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। स्त्री 2 की रिलीज डेट हुई फाइनल। साल 2023 में कई धमाकेदार फिल्में रिलीज हुई, जिससे ऑडियंस का मनोरंजन लेवल बरकरार रहा। ये साल अभी खत्म होने को बाकी है, मगर कई और फिल्में फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हैं। इस कड़ी में बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने 10 फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जिनमें से स्त्री 2 भी शामिल है। इस लिस्ट के मुताबिक फिल्म स्त्री 2 30 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। खैर, तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। आप भी इन पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।